नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आ आपनकु स्वागत करूची आमर ई चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ई चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे नहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे रास्तुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु जातरे कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर वन रही बीजेपी एकाकी लड़ब मेंट चर्चा भितर मनमोहन समलों बड़ बयान कहले राज्य एकाकी लड़ब बीजेपी एकाकी सरकार कर बीजेपी। राज्य में बीजेडी बीजेपी मेंट को नहीं चर्चा जोर धरता बेले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल देखते बड़ बयान बीजेपी एकाकी निर्वाचन लड़ी मनमोहन सामल गणमाध्यम को सूचना देते। सहित आगामी निर्वाचन में बीजेपी राज्य में एकाकी लड़ी सरकार करशार अस्मिता को नहीं बीजेपी निर्वाचन लड़ी बोली मनमोहन सामल कहते। अधिका प्रवृत्ति खबर, आज अपराह्न बस बीजेडी गुरुत्वपूर्ण बैठक। आज अपराह्न बसी बीजेडी गुरुत्वपूर्ण बैठक। अपराह्न 4:00 बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक अध्यक्षतार नवीन निवास बैठक अनुषित हो समस्त जिला पर्यवेक्षक और कोर कमिटी सदस्य जोग देते। बैठक में आगामी निर्वाचन परिचालन नहीं आलोचना कर विभिन्न आसन सहित संभाव्य प्रार्थी नहीं विस्तृत भाव आलोचना कर आसंता साधारण निर्वाचन पर दल रोडमैप प्रस्तुत करें। सप्ताहे तले नवीन निवास प्रथम बैठक बसी। अधिका प्रवृत्ति खबर, सुप्रीमकोर्ट बड़ राय, ठिका कर्मचारी को स्थायी निजुक्ति दि। ठिका कर्मचारी को नहीं बड़ राय देते सुप्रीमकोर्ट। कोर्ट कहते कौन व्यक्ति जदि कौन पदवी में 12 months अर्थात वर्षे जाए स्थायी काम करुंट तेज से स्थायी कर्मचारी भाव निजुक्ति देवाक पड़ो। जस्टिस पी एस नरसिम्हा एवं जस्टिस संदीप मेहटा बेंच यही मामलार शुणा कर शुणी समय खंडपीठ कहते स्थायी मनोभाव रखी गोटे स्थान में वर्षक कम कर श्रमिक को अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 अनुजाई ठिका कर्मचारी कहना तेरे स्थायी श्रेणी में अंतर्भुक्त करने उचित। लाइव ल रिपोर्ट अनुजाई दुईजिया खंडपीठ हाइकोर्ट और इंडस्ट्रियाल ट्रिब्यूनाल राय को संरक्षित रखिंट जो थे रेलवे लाइन कड़े काम कर सफेद कर्मचारी विषय में कहुई कोर्ट से ठेका कर्मचारी को हटाई स्थायी भाव निजुक्त तथा तो दरमा भत्ता व्यवस्था करने को निर्देश देते। अधिका प्रवृत्ति खबर, बड़ खबर, डीए बढ़ला। गत किछि दिन हला विभिन्न वर्गर कर्मचारी राज्य सरकार किछि ना किछि घोषणा करुछन्ते केतेबेले दरमा वृद्धि करुछन्ते आउ केतेबेले स्वास्थ्य बीमा राशि परिमाण वृद्धि करुछन्ते। एहि क्रमरे गुरुवार राज्य सरकार एक बड़ घोषणा करिछन्ते। तबे आज राज्य सरकार कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि करिछन्ति। राज्य सरकारी कर्मचारी डीए वृद्धि करिछन्ति 4% डीए वृद्धि कर फल राज्य कर्मचारी डीए 46% को वृद्धि पई 50% वृद्धि पाई। तबे वर्धित डीए जनवरी पहलू पिछला भाव लागू हो द्वारा 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 पेनसनधारी उपकृत होते। अधिका उत्ति खबर, मेंट राजनीति भितर पशिला एक नुआ के मंत्रीपद भागबंटा। ओडिशा रे बीजेपी बीजेडी मेंट हो कि ना से एपर्तंत पूर्णच्छेद पड़ना हेले शीर्ष महल यहाँ बारंबार आलोचना चली जमापड़ी। तेरे ही मेंटर जो बड़ समस्या रही है आसन बुझाणा एथिरे कुआडे दुई दल शीर्ष नेतृत्व एक प्रकार शेष पर्यायर पहुंची थी जमापड़े। बर्तमान आउ एक नुआ के यार भितर प्रवेश करा मंत्रीपद यह बर्तमान किसी दिन धरी जोरदार आलोचना होवार लगी। विशेष सूत्र अनुसार बीजेडी कुआडे बीजेपी विधायक को मंत्रीपद देवाई राजी होना से रोकटोक बीजेपी कौन विधायक को मंत्रीपद दिज्वी जनईदे। तेरे बीजेडी कहवा कथा जे आम ओडिशा मंत्रीपद देवुना कि केन्द्र में बीजेडी सांसद मंत्री हे ना तेरे यह चली जुक्ति तर्क हेले बीजेपी कहवा कथा जे बीजेडी केन्द्र में मंत्रीपद हासिल करूँ और राज्य में बीजेपी विधायक को मंत्रीपद दि जाऊ जहाँ बीजेडी राजी हो जमापड़ी। तेरे यार कारण कौन बोली बीजेडी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को किसी कही ना। अधिका प्रवृत्ति खबर, कुकुर मुहरे कटा हाथ। कटा हाथ धरी हॉस्पिटल परिसर में बुलला कुकुर, लोके देखि आचंबित। जे देखुला सी पचारुला एटि कौन फिल्मर सुटिंग चली कारण दृश्य ही किसी एमती थी गोटे कुकुर पाटी छिंडा हाथ धरी हॉस्पिटल परिसर में बुलूला। एपरी अभावनीय दृश्य देखा मिली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रे। तबे हॉस्पिटल परिसर रे एपरी देखि लोके आतंकित होते फल कुकुरटी हॉस्पिटल परिसर में क्यों आड़े अंतर्धान हो जाता किंतु किसी समय पर पुणी कुकुरटी देखा मिले उक्त कटा जा हाथ को आनी से मेडिकल भितर थिबा बगीचार पकई तबे पर हॉस्पिटल कर्मचारी यह सफा कर प्राथमिक तदंत अनुसार कुकुरटे से ही कटा हाथी डस्टबिन भितर उठाई आनी प्रकाश तेरे केते जन
प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुजाई उक्त कटा हाथ को कुकुरटी निकटस्थ मशाणी आनीता अनेपटे हस्पिटाल कर्तृपक्ष तदंत जारी रही। अधिका प्रवृत्ति खबर चाषी को मासिक 1500 टंका 2 लक्ष बीमा प्रतिमास 1500 टंका देउछंती सरकार एमती करूँ आवेदन आउठातु यार लाभ तेज केन्द्र सरकार पक्षर अनेक गुड़े जनमंगलकारी योजना कार्यकारी हो कि नूतन योजना आरंभ करोजना कार्यकारी होगा सहित समय क्रमे सेगुड़िक संशोधन होजनागुड़िक मधुर अनेक से ही भारतीयों पर जो मैंने आर्थिक दृष्टि दुर्बल किंवा गरीब श्रेणीर तबे गरीब श्रमिक परिवार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजनागुड़िक मधुर ई श्रमिक योजना मध्य अन्यतम। यह योजना अधीन ई श्रम कार्ड बाहर करने सहित निहाती आवश्यक जहाद्वारा कि आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणीर लोक मैंने अनेक लाभ पाई तेरे यह घरे बस बाहर करें तेज यह किभली घरे बस बाहर करें तेज ई श्रमिक योजना कौन आर्थिक दृष्टि दुर्बल विभाग पर सरकार ई श्रम योजना आरंभ करतीन प्रतिमास हिताधिकारी बैंक आकाउंट में 500 से 1000 टंका आसे चर्चा होसक 1500 टंका देवा योजना कर सरकार किंतु से भली किसी घोषणा बर्तमान सुधा होना तेज खूब शीघ्र एने योजना करिपारंती केन्द्र सरकार तेज ई श्रमिक कार्ड लाभ श्रमिक मैंने 2 लक्ष टंका पर्यंत दुर्घटनाग्रस्त बीमा पाई गर्भवती महिला पिला भरण पोषण सहायता दुर्घटना अक्षम हेले 1 लक्ष टंका आर्थिक सहायता भारत समस्त श्रमिक योजनार प्रत्यक्ष लाभ तेज प्रति मस बैंक आकाउंट को 500 से 1000 टंका पेंशन स्वास्थ्य चिकित्सापी आर्थिक सहायता जगै दीजिए प्रथम गृह निर्माण में सरकारी आर्थिक सहायता पिला शिक्षापी आर्थिक सहायता जगै दीजिए समस्त सरकारी योजना सीधा सड़क लाभ ई श्रम पोर्टाल किभली पंजीकरण करेंगे जारी रखु ई श्रम पोर्टाल निजक पंजीकरण करने को ऑफिशियल वेबसाइट को जातु www.eshrama.gov.in को जातु और रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करूँ पंजीकरण पर एक फर्म र्लिक करूँ फर्म पूरण करने परवर्त प्रक्रिया संपूर्ण करूँ आधार नंबर सहित संयुक्त मोबाइल फोन नंबर प्रवेश करूँ यापर ईएसआईसी स्थिति ईपीएफओ एवं कैप्चा कोड दिंतु तेब यापर फोन रे ओटीपी आसीबो एहाकु दिंतु पंजीकरण फर्म रे पचरा जाइथिबा समस्त तथ्य पूरण करूँ पर डॉक्यूमेंट गुड़िक वेबसाइट रे अपलोड करूँ एवं तापर दाखल बटन उपरे क्लिक करूँ यापर आपनको पंजीकरण सफल होइजिबो। अधिका प्रवृत्ति खबर पुणि दम देखाइला भारतीय नौसेना 40 घंटार ऑपरेशन पर 17 जन नाविकों को उद्धार करने सहित 35 जन जल सदस्य को कला काबू तेरे पुणि दम देखाइला भारतीय नौसेना सफल है 40 घंटार ऑपरेशन सोमालिया जल दस्यु मैंने एक पण्यवाही जहाज को अपहरण कर नाविक मानू पणबंदी रखिथिले जहाज को ठाब कर कार्यानुष्ठान आरंभ होता नौसेना काम युद्ध जहाज INS कोलकाता एवं INS सुभद्रा को लगता तेब यह सहित मार्कोस कमांडर मैंने निजुक्त होते भारतीय उपकूल प्राय 2600 किलोमीटर दूर से ही कार्यानुष्ठान जलदस्यु मैंने गुड़ चाला कर पणबंदी जहाज को नहीं पलाई चेष्टा करते हैं मार्कोस कमांडर मैंने एथेर 17 जन नाविकों को उद्धार कर सहित 35 जन जल सदस्य को आत्मसमर्पण करने को बाध्य करते तेज आउ सफल होता 40 घंटार ऑपरेशन भारत महासागर पण्यवाही जहाज गुड़ी जलदस्यु कबल बचाई भारतीय नौसेना। अधिका प्रवृत्ति खबर फ्री मोबाइल देउछंती मोदी सरकार मागणा रे मोबाइल देउछंती मोदी सरकार 3 वर्ष रिचार्ज भी मागणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए सरकार अनेक योजना आनी किंतु यही समय स्कामर माने लोकों ऊपर नजर रखछे रखते तेज जनसाधारण बैंक आकाउंट हो कि गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज हो नचे डाटा अनेक समय साइबर ठकामी मामला सामना को आसी थाए तेज आनेक समय सोशल मीडिया गुजब प्रचार जरिया फायदा उठाऊँ साइबर ठक केवल से नुहे अनेक योजना बाबद मिथ्या गुजब प्रचारित होचारित कर बार्ता सोशल मीडिया बेस भाइराल होगा लगी कहु 2024 लोकसभा निर्वाचन भोट देवाई मोदी सरकार मागणा स्मार्टफोन देखते केवल से नुहे 3 वर्ष मागणा रिचार्ज भी देखते जहाँफल आवेदन करुवा व्यक्ति मागणा मोबाइल पाइबा सहित रिचार्ज पाइपर आ स्मार्टफोन समस्या भी रही तेब एभली मेसेज केत जानतु
ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଏଭଳି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବଣ୍ଟା ଦେଉନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁଜବ। ମୋଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍କାମରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁଜବ ଆସିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଖବରକୁ ସିଧାସଳଖ PIB ଦ୍ୱାରା ଗୁଜବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବି ସେୟାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସିମ୍ ଯୁଗ। ସ୍ୟାଟକମ୍ ସହାୟତାରେ ଚାଲିବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥିତ ୱାନ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ସହିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଭାରତରେ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ହ୍ୟୁଜେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱାନ୍ ୱେବ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ୱାନ୍ ୱେବ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଏହି ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ମାଗଣା ଘର ପାଇଁ କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦରକାର କି, କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଘର ଦରକାର କି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 25 ଜୁନ୍ 2015 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କିଣିବାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। rhreporting.nic.in ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହିତାଧିକାରୀ ଏକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ହେବା ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କୋଠରୀ, କଚ୍ଚା କାନ୍ଥ, କଚ୍ଚା ଛାତ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା BPL ତାଲିକାରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର, ତୁମର ଫଟୋ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାକିରି କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଚାକିରି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ SBMରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଲେ ଆପଣ ମାଗଣା ଘର ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। ସତର୍କ ଗଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପବନ ବହିବା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।